जब टूटा नहर बनाई एक बार तीन एक बार आयो पानी एक साल पूरो पानी भी पीने मेर मतलब बकरी वाली नहर पुल रगड़ी गांव का सारा ते पिछे बेलदार चोरियां करवांदे ने पानी दियां पानी भी कंदर ने बुद्ध नाल तेरे बाप ही आईडो को 12 महीना हुई रामकर क्यों जमींदार अनगणमरा बनावे। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। मेरे पीछे यहाँ किसान हैं काफ़ी संख्या में और ये जो किसान है यहाँ पर वन मंदोरी नहर के अंदर पानी नहीं आ रहा है, नहर की जो टेल है वहाँ पर ये पानी नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर तीन गांव के किसान जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और धरना देकर नारेबाजी शुरू कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और इनकी मांग है कि लंबे समय से टेल पर पानी नहीं पहुँचा है, तो इसके अंदर अरनिया वाली दिंगतानिया और रंगड़ी खेड़ा गाँव के किसान जो टेल पर जिनकी ज़मीन पड़ती है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं इनसे आखिर इनकी क्या मांग है और कब से इनकी ये जो समस्या बनी हुई है। हम अरनिया वाली रंगड़ी दिंगतानिया के सब किसान यहाँ पे बैठे हैं धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने के लिए। हमारी यहाँ पे बन मंदोरी नहर की टैल यहाँ आती है और हमारे इस रकबे के लगभग 10,000 एकड़ भूमि इस नहर की टैल में पानी नहीं आने के कारण इन कमांड हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। यहाँ की ज़मीन का लेवल का ट्यूबवेल का पानी भी खारा हो चुका है, लेकिन हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि बन मंदोरी नहर की टैल में पानी आना चाहिए, लेकिन हम नहर महकमा के पास जाते हैं, उनको कहते हैं, लेकिन वो हमारी एक भी बात नहीं सुनाई करते। इसलिए हमें अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना शुरू किया है और यहाँ पर किसानों ने एक योजना बनाई है कि जब तक हमारी नहर बन मंदोरी नहर में पानी नहीं आता तब तक ये धरना चालू रहेगा, क्योंकि बार बार हर छठे महीने पानी न आने के कारण हमारी फसल बर्बाद हो रही है और किसानों की ये हालत हो चुकी है कि अपनी फसल की जो खर्चा आता है बिजाई का और रे स्प्रे का वो भी इस नहर के एरिया में पूरा नहीं होता। लेकिन खट्टर सरकार है जो कि हमारी इन किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ये पुख्ता है कि नहर महकमा के अफसर JESDO और बड़े अधिकारी इस जो पीछे जो नहर से पानी आता है पिछले गाँव में जो किसान बैठे हैं उनको पैसे लेकर पानी की पाइप लगवाते हैं, मोरी बड़ी करवाते हैं, यानी पानी की चोरी नहर महकमा करवाता है और आगे के किसानों की धरती सूखी पड़ी है। इसलिए इसकी बड़े अफसरों से जांच होनी चाहिए कि इन सालों में इन अफसरों ने कितना पैसा किसानों से लिया है और कितना पानी चोरी करवाया है। केवल बन मंदोरी नहर पर नहीं, सेरा वाली नहर और जो भी नहरें हैं इन नहरों पर नहरी महकमा के अफसर लोग पानी की चोरी करवाते हैं। और दूसरी ये बन मंदोरी टैल जो है इससे पीछे जो नहर है उसका रकबा लेवल सही नहीं है, उसमें पीछे तो पानी भर जाता है लेकिन आगे पूरा पानी नहीं पहुंचता। इसलिए इस नहर को दोबारा से खुदाई करके या दोबारा बना के टेंडर करके जल्दी से जल्दी ये काम करवाया जाए। मेरा नाम रणजीत सिंह है जी, अरनिया वाली गाँव है, बन मंदोरी नहर को पानी लगा है, इन टैल के ऊपर पानी को नहीं आ, टैल के ऊपर मेरा खेत है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, पानी माँ आवे को भूखमरी आ गई जी, नीचा पताल को पानी खारो है। खट्टर सरकार ने कई बार कह दियो भाई नहर को कोई समाधान कर दियो, पीछे तो नीची बढ़ा रखी आगे ऊंची चक दी, इन खतर हमारी यहाँ समस्या है भी लेवल पर बढ़ा के दोबारा मोल्डिंग करा के काम हमारे पानी वालों करे। बलबीर गढ़वाल है, रंगड़ी खेड़ा मेरा गाँव है, मेरे टैल के ऊपर ही टैल मेरे खेत में है। अब अफसर कह देते ये लगेगा, मेरे भी एक क्यारे में पानी नहीं भरिया, जो आगे तो पानी जाएगा ही क्या, सारे सीजन में पानी आता ही नहीं है। अब जब आएगा जब बरसात हो जाएगी जब पीछे से मोगे बंद कर देंगे फिर यहाँ हमारे को तंग करने के लिए आता है। इसकी जो है लेवलिंग है ये सही होनी चाहिए, ये दोबारा बननी चाहिए नहर। ये पानी आया हुआ है पीछे दो साल से आया ही नहीं, ये खालों की कंडीशन देखो आप, नहर की कंडीशन देखो, अब मौके पर नहर चालू है, अब मौके पे नहर की बारी चालू है, अब जाके देखो नहर में कहीं भी पानी आया तो 97, 96, 95 मौके तक पानी नहीं है इसमें। समस्या भाई पानी को नहीं आवा नहर के अंदर, जब टूटा नहर बनाई एक बार आयो पानी एक साल पूरो मुड़के अपने ये मतलब वाजपेयी की सरकार ने की, जब प्रधानमंत्री थे जब भी को नहीं आया, और बाद में ये प्रधानमंत्री कांग्रेस के भी को नहीं आया, और ये मतलब जो अपने मोदी सरकार आ रही है तो भी को नहीं आया। पानी भी पीने मेर मतलब बकरी वाली नहर पुल रगड़ी गांव का सारा और घड़ी समस्या थे, इससे बड़ी क्या होगी बचा, अरे इस नहर में पानी को नहीं आवा, वाटर वर्क करें तो सवाल ही को नहीं उसके, गड़िया वो सारो गांव डो है भाई। अब यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं जो किसान है वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी यहाँ इस नहर में कब पानी छोड़ा गया था पीछे से? आज 10 साल पहले पानी है तो टलहराज में,
भी बाद में पानी आ देखो नहर है एक हफ्ते हो गया साल तीन अजे तक टैलों पर पानी नहीं है। और मैं भी चला कदी आ जाए जब बरसात हो जाए जब उजाड़ करन भी आ जाए लहरों मौका बंद कर दे के करे के ना करे अफसरों काम है वो जमींदार को काम को नहीं। और जमींदार जाके बटकिंग साग लड़े अफसर है जी का जमा ढीला है कोई काम नहीं करना करी अब तो हो गया चालते नहर ने रात पानी को नहीं नहर का माप खड़िया सुखी गवा है तो बोरी की नहीं मिल जाए अपन कोई मतबल को नहीं माने पानी मतबल है कोई सरकार मतबल नहीं अफसरों मतबल नहीं माने पानी चाहिए। अरे अफसर देखो देखो तुम्हारी फसल खराब हो रही है इन बल्कि है पानी मन मनोरी नहर आ नहीं रहेगा स्प्रे महकमे ने दी है लेबर आसी तोड़ बहादरा रोड तक असी पैसे दिते स्प्रे करवाई दे 100-100 200-200 जिमीदारा तो इकट्ठा करवा के ते पिछे बेलदार चोरियां करवाते ने पानी दियाँ टूपा लगाते असी एक बारी दे 200-200 रुपए का पेट्रोल फूकते हैं ते शेरपुरा ताजिए तक जाने असी पाइपां आप चक्कियां हुई ने आपके हाथों नाल ते कोई एस दूजा एक्शन उक्शन कोई नहीं आता उत्थे हाँ आप चलो साथ हमारे फिर हम पैपा उठवाएंगे ते तुसी तनखा का दी लेने हो जे पैपा ही असी चकनी ने ता गांव मेरा अरने वाली महावीर नहर हूँ जी मैं लहर ली नहर की चल ली 15 दिन बिंगा मामा एस आई कन गयो बोलियो एस डी ओ जागे कह देखो जी पानी भी नहीं है बूझियो वो फोटो किठू बना के लियो पानी अट अब है क्या ठेके कौन नहीं तो बिंद एस डी ओ एक्शन ने गठू दिखाओ बा फोटो के चीज कोई और नहर की ले पानी भी कंदर ने बुझ नाला तेरे बाप ही आयो कोई 12 महीना हुई राम करो क्यों जमींदार अनगण मेरा बना हुआ है अट है जी पानी गमा नहीं मैं एक्शन साहब का आपके सामने कहो एक्शन ने वो आगे के कैश दियो जी वो देखो पानी फोटो मो गठू बना के लिए तो ये बता तो दे माने भाई कोई दड़बाली नहर की खींच के लिए है कोई और नहर की ले तो वन मंदोरी माइनियर की जो टैल है वहाँ पर मैं हूँ। यहाँ पर अब आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तीन खाल यहाँ से निकलते हैं और इनकी जो हालात है वो आप देखिए किस हिसाब से यहाँ पर कितना जो कचरा है वो जमा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन पहले यहाँ पर पानी आया होगा। ये हालात हैं। दूसरी साइड ये दूसरा अखाड़ है इसकी भी आप हालात देख सकते हैं किस तरह से ये बने हुए हैं कितने दिन पहले यहाँ पर पानी आया होगा ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो तीसरा अखाड़ है इसकी हालात भी आप देख सकते हैं ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है इस तरह की हालात है। ऐसे में टैल पर पानी कब और कितना पहुंचता होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इस तरह की हालात यहाँ पर है। वन मंदोरी माइनियर की जो टैल है वो रंगड़ी खेड़ा गांव के रकबे के पास है और यहाँ से दिंगतानिया और रंगड़ी खेड़ा गांव के जो किसानों को यहाँ से इस टैल से पानी लगता है। तो यहाँ बता दें कि काफ़ी लंबे समय से इनकी ये समस्या बनी हुई है। काफ़ी किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। टैल का एरिया है और 3 गांव के किसानों की ज़मीन यहाँ इस टैल पे पड़ती है और उनके पिछले लंबे समय से पानी यहाँ पर नहीं पहुँचा और उसके बाद में अब यहाँ पर इन्होंने धरना शुरू किया है और इनका यह भी आरोप है कि संबंधित जो विभाग है नहरी विभाग है उनके जो अधिकारी हैं वो पानी की चोरी करवाते हैं ऐसा आरोप ये यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनके इस धरने के बाद में आगे किस तरह की क्या कार्रवाई होती है क्या इनके मांग पर कोई गौर की जाती है या फिर इनको अपनी समस्या के समाधान के लिए इसी ऐसे धरने पर बैठते रहना पड़ेगा। अपनी न्यूज के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।